अस्सलामुअलैकुम जी लो व्यूअर्स, कैसे आप सब? मिलकर सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। इसी के साथ में आज का वीडियो करने शुरू। आप लोग आज मैं बड़ी खुश खुश दिख रही होंगी, उसके बारे में ये है कि मैं खुश इसलिए हूँ आज क्योंकि 6 दिनों के लिए मुझे हो चुकी है छुट्टियाँ। अभी आज हमारे थे 2 पेपर्स, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं घर, सुबह छुट्टी हो तो कॉलेज, अभी शाम को आए हैं, पेपर्स अपने देख लें। तो अभी है 6 छुट्टियाँ, तो मैंने सोचा 6 दिन मैंने क्या करना है। अभी आगे उर्दू का पेपर हो तो शाम से हो जाना पड़ेगा। अभी जैसे मैं घर आई, मेरे घर से क्लास यकीन करो, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं, मेरे को पास खत्म हो गया इसके बाद। आओ देखो, ये साढ़े घर हालात में मशीन लगी हुई है। मेरी बेबे ने अल्लाह ही जाने क्यों नहीं सुकून, आ मशीन च गेड़ा दे हो रहे हैं, कपड़े इतने रखे हुए ने कुछ वो फालस है, शुभत बना के दी थी क्योंकि उसको पता था मेरी बहनों ने पेपर दे के आना, सुबह से हल्कान हो रही हैं कॉलेज में। तो अभी हम जैसे कर रहे हैं इसका, इसने हमें जूस ना कर दिया, थैंक यू मान। ओए ओए सच्ची तुमने सही पहचान दी है। अभी जो दो भूखे हैं ना, ये जो दो भूखे हैं ना, यकीन नहीं करें। अभी ये ना ये सिलेंडर के फाइल के लिए गए साथ में चाय, उनको वैसे कोई काम का उन्होंने कभी नहीं करना, दोनों खुद भूख लगी ना फटाफट इन्होंने किया, स्पेशली इस बंदे ने। आज बहुत दिनों बाद व्यूअर्स, आप लोग यकीन करें हमें अंडा ब्रेड खाना चाहिए हुआ है क्योंकि अम्मी अबू से बना लेके जिंदर से कहना ना पुत्र नहीं हो ये दबो आज। फिर मैं मैनू नहीं पता, मैंने मंगवा के दो। अभी मैं बनाने लगी हूँ अंडा और ब्रेड फ्राई, अंडा सॉरी फ्राई करने लगी ब्रेड, मैंने ब्रेड में सॉरी फ्राई कर, मैंने 3 फ्राई बना ली हैं, लेकिन मैंने खाना था नमक वाला, तो इसलिए मैंने अपना ये बना लिया नमक वाला क्योंकि मुझे ना फ्राई से सबर नहीं आता, ये बड़ी ये वाला अंडा रबड़ हो जाता है ना, तो इससे मजा आता है। और देखिए मैंने कितना पाला बनाया, कितना पाला पाला मेरे जैसा बिल्कुल पाला पाला सा गोल गोल। चाय भी मेरी हो चुकी है तैयार और ब्रेड सिर्फ रह गई मेरी गर्म करने वाली, वो भी मैं करती हूँ। और साइम अभी कर रहा है कूलर में पानी ठंडा क्योंकि जिसकी ड्यूटी होती है कि पानी हम इसलिए ठंडा करना होता है, तो इसलिए अभी कूलर से पानी ठंडा करेगा। बेचारा कहता तो बहुत है, हमें कुछ नहीं कहता, चुप करके काम सारे कर लेते हैं। अभी हम लोग जाने लगे हैं चाचरों की घर क्योंकि हमारे पेपर्स तो अभी 6 दिन का टाइम है, तो काफ़ी दिनों से जो पेपर्स की मसूफ़ की वजह से हम लोगों ने चक्कर भी नहीं लगाया था। तो अभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि हम लोग जाएँ वहाँ पर, ठीक है, चक्कर वगैरह लगा के सोना था हाल हवाज में पहुँच गया, मैंने कहना बिल्कुल नहीं आई नहीं। तो अभी इसलिए हम लोग जाने लगे हैं चाचरों की तरफ। अभी कोई भी नहीं, मैं आमना और इमान जा रहे हैं, सिर्फ हम लोग के बहने जा रही हैं और कोई नहीं जा रहा, सिर्फ हम 3 लोग ही जा रहे हैं। तो अभी मेरे से पीछे बुला फिर रही है ना, उसको कुछ समझ में आज बहुत थोड़ा पहले चेक कर रही है कि मुझे कोई ना इस्त्री किया हुआ मिलता है, लेकिन उसको बंदा कौन बताए कि हमारे कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए। और अभी ये बंदी अपने सूटों की देख रही है कि मैंने सूट कौन सा पहनना है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि उसने कौन सा पहन के जाना है, नहीं पता पूछे किधर मामे ब्याह चल रही है, उतने जो घर ची जाना है तो जो उल चुके पाला इतने इन्ने कपड़े खरीदे पे तो उतो किस लै ला पुत्र, इतने तेरा कोई इस्त्री किया हुआ भी नहीं है, जो तू कहें तेरे इतने इस्त्री करने वाला पे वो भी नहीं है। अभी अल्लाह अल्लाह करके इन सबको मैंने निकाला है घर से बाहर। अभी एक बाइक है और 3 लोग हैं जाने वाले, हमें कुछ नहीं पता हमने बैठ के जाना कैसे है। अभी हम लोग यहाँ पर बनेगी छोटी छोटी बच्चियाँ, अभी बैठेगी ये, मैं आपको साथ लाइव दिखाती हूँ, बैठो तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ बैठो बच्ची बैठो, फिर मैं भी बैठी हूँ, फिर मैं तोड़ के आने का साफ कर दिया है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी जो मेरे साथ की 2 है ना नमूने, उनको अभी शर्म आ रही अंदर जाते हुए, वो एक बैठ के उधर दरवाजे के पास ही, दूसरी ये, और मैं उनको कह रही हूँ चलो, और जा नहीं रही, मैंने कहा चलो मैं ही चलती हूँ, इन्हें ना कमी का तो जाना जूना कोई नहीं। और ये देखे ये मैं दरवाजे में ही मिलती है। अभी हम लोग आए हैं तो आंटी लोगों ने हमें ला कर दिया हमारे लिए जूस फालसे का, ठीक है, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो उस वजह से फालसे का जूस ठीक रहता है। तो अभी आमना हमें करेगी सर्व, देखते हैं पूरा पड़ती है देती है नहीं। तो ना अब हमारा खाना खाने का टाइम शुरू हो गया है मतलब कि हमारे अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है। और ये जो है ना ये बहुत पसंद है मुझे, मुझे सारा कुछ ही पसंद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और वो जो लास्ट में पड़ी है ना कोक, उसके बगैर वैसे खाना हजम नहीं होता, तो इसलिए वो साथ लास्ट भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ये देखें, बाकी हम खा के बताते कैसे हैं। हाँ ये देखें अब चम्मच भी आ गया, बाप उनको नज़र आ जाएंगे, पहले मुझे भी नहीं आए थे नज़र।
ये बताने वाले बंदा हमारे घर में एक ही कर सकता है और उसी को हमने ये दिया हुआ है काम। हाँ डिसेंट बंदा है, व्यूअर्स अब भी हम लोग हटे से खाना खाकर तो ऐसे ही बाहर रैंडमली आए तो देखा इतनी तेज हवा चल रही है और आंधी आई हुई है तो वो रहा हमारा घर जो हम छोड़ के उसको आ चुके हैं और मौसम इतना प्यारा हुआ वहाँ था कि हमें अभी आंटी ऊपर उठा के लेकर आई वो मैं बोरी कहती उठी तो सुतियाँ पाई इन्ना प्यारा मौसम आकर मौसम इंजॉय करो तो हुई असं उठ के ऊपर छत आई हुई तो यकीन करो वाकई अज हवा बहुत प्यारी चल रही ठंडी वाली हवा चल रही है बहुत दिनों बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा सी तो हुई असं बैठे इंजॉय कर रहे हैं जो मेरे नाल दियाँ है एल बनावा मेरे कोल बैठी हैं उन्होंने नहीं पता उन्होंने की करना सड़िया ये देखें व्यूअर्स इतनी प्यारी हवा चल रही है ये पौधे सारे लहरा रहे हैं और कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पे ना ईमान बैठी नज़ारे ले रही है ठंडी हवा के और पीछे जो सी कुछ लड़की दिख रही है ये यहाँ पे हंसियाँ खेड़ियाँ कर रही है पौधों के साथ पौधों की खैर कोई नहीं हैगी पहले तो साड़ी आमदन की ज्यादा ध्यान नहीं देना है जो देना फिर एक बार जाने तो कोल जाकर सिर पर खड़ जानी यहाँ पर जो से घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो पढ़ रहे हैं नमाज और जो से अभी काट रही हैं खरबूजा क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही तो सोचा उसके साथ में खा पी भी लें तो वो भी खरबूजा काट रही हैं बड़े डिसिप्लिन के साथ काट के भी हमें देंगी और ये बैठी बीबियाँ चावल खा रही हैं इनका पेट बस शाम ये रात का तकरीबन टाइम है मगरिब के बाद का और ये लोग ले रही हैं बाहर के नज़ारे ठंडी हवा के यहाँ पे बालकनी पे साइड पे खड़के कितना पौधों के ही लुकियाँ पाई कि पर्सनल गलत कि डिस्कशन कर रही हैं लेकिन हवा बहुत और अभी तक हम लोग यहाँ पे हैं पापा अभी नीचे आए हैं हमें लेने लेकिन हम भी डीट हैं हम भी बैठे हैं यहाँ पे ही अभी सारे जा रहे हैं हम लोग बेनजीर पार्क क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने करनी है वॉक वगैरह कुछ खाने हैं गोलगप्पे वगैरह तो इसलिए बाबा और चाचू अभी आ गए हैं हम लोग पूरी पलटून पीछे हैं और हमारे आधे बंदे वो जा रहे हैं और हम टहल टहल के जा रही हैं रिजों के साथ जा रही हैं इसलिए हम बहुत पीछे हैं आगे भी शुक्र ये है साइम का स्कूल जो कि अब नहीं रहने वाला अब साइम ने स्कूल को अलविदा बोल देना है ओ इंटर हो गए ने सो हम ये इंटर हो गए हैं अपने इधर गेट के अंदर आ गए अंदर वाली साइड पे ये जा रहे बाकी हमारे घर वाले कहाँ गए गाइस हम चल तो रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हमारे आगे वाले जो मेंबर्स थे वो कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं किधर गायब हो गए हम यहाँ आ गए हैं चुन्ने मुन्ने बच्चे यहाँ पे हैं अब हम अपने बंदों को ढूंढे घर वाले गायब हो गए और ये एक मलंग मेरे साथ है थकी थकी हालत में यहाँ पर एक लेडी कहती है मेरी कुड़ी भी और हम असी पहले अपने घर वाले लाऊ ले कितने गए के बाद हमें वो हमारे घर के बंदे मिल गए लब गए हमने दूरबीन लगा के इनको लाभा फिर हाँ और यहाँ पे तो हवा माशाल्लाह से ऐसी चल रही है ना कि दिल का वैसे मतलब मंजा एक लेके आंदा इतने बट थके थके लोग थे इन्होंने शूज उतारे और ये बैठे ठीक है बाहर कुर्सियां तो नहीं मजा आंदे बैठे हैं गोलगप्पे के इंतजार में और मैं तो फिलहाल खड़ी हूँ ये बैठी हुई है चलो बिस्मिल्लाह कर दे जो आए ने अभी ना हमारे गोलगप्पे काफी टाइम था तो मेरे साथ वाले वो चले गए हैं और हम लोग वेट कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो ना एक आधा एक राउंड ही लगा लेते हैं उसके बाद फिर वापस अपनी जगह पे आते हैं सो आफ्टर द लॉन्ग टाइम अच्छा खासा घूम फिर के जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमें दूर से गोलगप्पे नज़र आए और वो कहाँ है वो उधर है चल जो एक बस यहाँ पे बहस चल रही है कि इन्होंने हमें बहुत घुमाया फिराया है ये बाप बेटे बेटी जो है ना इन्होंने हमको किसी बारे नहीं आने दिया कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर ये देखे अब बता रहे कि क्यों हमने बुलाया सो अभी पूरे आने नहीं यही आ रहे और ये जो ग्लास उन्होंने दिया ना ये हवा से उड़ने वाले दिए हमको What is hell? और ये जो बंदी है मेरे पास ना ये पागल हो गई है पता नहीं को क्या हुआ है सो यार गोलगप्पे का इनकी जुबान फिसल रही है बोतल में कहा पा दिया अभी ये खट्टा आ गया गोलगप्पे नहीं है चलो मैं कोई तो काम किया
और ये हमारा बच्चा जो है ना चुन्नू मुन्नू सा गोलगप्पे लेके आ गए माशाल्लाह से। ओके फाड़ लो पहले, माशाल्लाह माशाल्लाह बरकत पाए इनके गोलगप्पों में इनके खानों में। बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी दुआएं पढ़ के खानियां तुसी। अच्छा उस तो पहले नहीं लैबा पैगी, लैबा पैगी। और ये दो बच्चियां जो है ना चुन्नी मोनी सी इतनी सीरियस होके बैठी सबका देख रही हैं कब इनकी तरफ आए। और अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से ना इनकी स्पीड इतनी है और इन्होंने ये ना चार प्लेटें इतनी स्पीड में खाली कर दी है ना। मैंने क्या हूँ इन्होंने भी जबाना जबूना फेर लो कि पता थोड़ा नूह हजम हुजम हो पर तुसी फुल हो लेकिन नहीं दो जग खट्टे के इन्होंने पी लिए। और ये बंदी गिलास इकट्ठे करी सार ले जाने के लिए। नहीं मैं और अभी इन्होंने माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से खाया कि इनको हाथों में से दो उंगलियां धोनी है। जरूरत पेश आई सो इसलिए एक तो साढ़े न्याणे की तरह के जान दे लायक ही है नहीं आज तो सारी बड़ी न्याणी बंदा पूछे कि तुसी की अनोखी शायद खा ली निकलने लगे बचपन की याद ताजा क्योंकि ये वाला झूला हम इतना पसंद था और इसमें इतना मजा झूले मिलते थे। अभी ये देखें आ जाओ ये देखे अब ये सही वाला एंजॉय हो रहा है झूले पे बड़ा मजा आता है। अभी ये सारे न्याणे सियाने बच्चे समेत मैनू तो मेरी वड्डी भैन रिपी निमिषा कड के ना सारे झूटे लै रही क्योंकि साडी सेहत इन्नी नहीं सी जेड़े पे आ जाइए। और अभी ईमान जारा और आमना वाकई फस जाने मैं सीढ़ी तो नहीं बैठ सकती। बस हो गए पूरे बंदे। और एक वो सबसे बड़ा दाद नहीं तक कम छू कोई ना रहा एक पिंक वाला लगा दे केड़ी भी नहीं अब इसको उल्टे काम है वो मुंह पहुंचता जावे थल्ले नहीं नवीद नवीन आज ना इनका मौसम के साथ साथ इनका भी आज घूमने का दिन है। अभी ये मौसम खुद भी इंजॉय कर रही है हमें भी करवा रही हैं बड़ी बड़ी लेकिन खोते वाले बच्चों जितने छोटे बच्चों वाले काम कर रही है ये इनसे मतलब पूछे छोटी बच्ची हो क्या